बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। एक बार फिर ये जो लेक्चर है कैटेगरी बी यानी कि फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो पिछला टॉपिक हमने लुबान बेंजोइन के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अदरक यानी कि जिंजर के बारे में है। अदरक क्या है, ये जो मतलब हमारे घरों में यूज़ होती है, इसकी डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सफ़ा नंबर 137 है, आप अपनी बुक्स खोल लें, सामने रखें, साथ में बुक रीड करें और जो मैं वीडियो में आपको जो बताऊंगा उसको समझ लें, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी कैटेगरी बी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा लेक्चर्स का। कुछ दिन मसरूफियत की वजह से मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सका, तो इंशाल्लाह वीक में 4 या 5 जो लेक्चर है वो अपलोड करता रहूँगा। तो आपके पास अभी जो जिनके सालाना पेपर्स हैं वो दिसंबर में उनके पेपर्स हैं, तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आप अपनी तैयारी जो है वो थोड़ी तेज़ कर लें। अब मैं जो अपने मोबाइल की का कैमरा जो है बुक की तरफ करता हूँ और आपको जिंजर के बारे में बताता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने टोलो बालसम वाला टॉपिक पिछली दफ़ा की रीड किया है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अदरक यानी जिंजर के बारे में है। सफ़ा नंबर 137 है। तो वो कहता है कि अदरक जो है जिंजिबर ऑफिसी नेल राइजोम के खुश को कहते हैं। अब ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है, आपने याद करना है। ये उसका नबाताती सरचश्मा है अदरक का, ठीक है। इसका साइंसी नाम ये है जिंजिबर ऑफिसी नेल, ठीक है। बाज़ार में जमैका जिंजर, अफ्रीकी अदरक और कोचीन अदरक के नामों से दस्तियाब है। अदरक की काश्त इसके तने की हर गिरा को काटकर बोने से की जाती है, ठीक है, और बुआई मार्च से मई तक की जाती है। मौसम ख़त्म होने पर ज़मीन से इनके तने निकाल लिए जाते हैं। दिसंबर और जनवरी तक इनको छीलकर धूप डो लेते हैं, फिर 5 या 6 रोज़ के अंदर धूप में खुश कर लेते हैं। इस अरसा में इनको गीला नहीं होने देते, कभी ड्रग को चूने में भिगो लेते हैं। इस तरह दवा कीड़ों से महफूज रहती है। अदरक जैसे कि आपको सबको पता है रोज़ाना की बुनियाद पर घरों में यूज़ हो रही है, खानों में खाना पकाते वक्त उसमें डालते हैं। इसके अलावा इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, ठीक है। तो आगे उसने उसमें ये आप ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, समझने वाली चीज़ है। तो आपने उसका तरीका सारा याद करना है कि ये किस तरह काश्त की जाती है, इसके मतलब तने के को किस तरह काट कर और इसकी बुआई मार्च से मई तक की जाती है, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। आगे उसने लिखा कि अदरक में 1 से 3% तक वोलेटाइल आयल होता है। वोलेटाइल आयल यानी कि उड़ने वाले तेल, जो पीछे हमने पढ़े हुए थे वोलेटाइल आयल का टॉपिक किया था जो कवर, तो उसमें हमने वोलेटाइल आयल के बारे में डिटेल से पढ़ा था। जो 3 किस्म के सेस्क्विटरपिनेस पर मुश्तमिल होते हैं, तो उसमें नंबर 1 पर है बिसाबोलिन, जिंजीबिरिन और जिंजीबिरोल। ये आप पढ़ लें, इसमें क्वेश्चन तो नहीं खैर आता, लेकिन आप याद कर लें, हो सकता है कोई इसका क्वेश्चन पूछ ले कि अदरक में क्या चीज़ें जो हैं मौजूद होती हैं। अब आगे उसने अदरक का जो ना जायके के बारे में बताया कि अदरक दवा का तुंद और चुभता हुआ जायका होता है। जैसे कि अदरक आप मुंह में रखें ना, तो उसको चुबाएं तो आपको उसका तेज सा जायका लगेगा, कड़वा सा लगेगा, ठीक है। जो तेल रीजन की वजह से है जिससे 2 खुशबूदार चीज़ें निकलती हैं, 1 जिंजीरोन और दूसरी शू गोल जो अलग की गई है, जिंजीरोन और शू गोल, ठीक है। ये आपने याद करना है कि इसके तेल इसमें से ना 2 खुशबूदार चीज़ें निकलती हैं, 1 जिंजीरोन और दूसरी शू गोल जो अलग की गई हैं। इसमें 59% जो है नशास्ता भी होता है, ठीक है। अदरक में उसने लिखा है 59% जो है ना वो नशास्ता भी होता है। ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि अदरक में नशास्ता 100% होता है, 150% होता है, 50% होता है या 59% मतलब 59%। दुआ में अदरक का इस्तेमाल बतौर हाजम, ठीक है, मुहर्रक खुशबूयात के होता है।
ये मशरूब खानों में मसाला के तौर पर इस्तेमाल होता है। आपको पता ही है कि अदरक का इस्तेमाल हाजमे के तौर पर है, ये हाजमा बेहतर करता है और इसकी खुशबू भी अगर खाने में डाली जाए तो इसकी खुशबू भी आती है। तो आगे उसने इसके सरकारी मरकबात लिखे हैं कि सरकारी मरकबात में अदरक का इस्तखराजी माया, अदरक का तेल, रीजन, अदरक का शरबत, मरकब, रुबाब, सफूफ शामिल हैं। इनमें से जो दो तीन नाम आपको अच्छे लगे वो याद कर लें, ज़रूरी नहीं कि सारे ही नाम आपको याद हों। आपने जब एग्जांपल देनी होती है तो दो नाम काफ़ी होते हैं, लेकिन वो दो नाम जो आपने याद करने वो आपको सही आने चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये सारी चीज़ें असल में याद आपके खुद करने वाली हैं। तो असल में स्टूडेंट्स बुक खोलना नहीं चाहते, जो अल्फाज यूज़ होते हैं बुक में वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं, तो वो समझते हैं कि हमें कोई ऐसे नोट्स मिले हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आसान अल्फाज मतलब लिखे हुए हों और हम आसानी से याद कर लें। लेकिन मेरे भाई नोट्स में से पेपर आते ही नहीं है, वो उसका पता ही नहीं चलता पेपर किस तरह बना रहा है। अब नोट्स वालों ने समझना कि अदरक का कौन सा सवाल बन सकता है, उन्होंने जो उन्होंने समझना उन्होंने वो क्वेश्चन मतलब मेन में लिख देने हैं, और आपने रटा लगाया होता है ये क्वेश्चन पूछेगा तो हमें ये जवाब देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो ऐम ही कुछ ना कुछ पूछ लेगा। वो पूछ लेगा अब अदरक का तुंद और चुभता हुआ क्यों है। अब ये क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेगा ही नहीं तो आप कैसे मतलब याद करोगे। ठीक है, उसका जवाब बनता है कि वो तेल रीज़न की वजह से जिसमें दो खुशबूदार चीज़ें निकली हैं। वो ऐसे ही पूछ लेता है जी अदरक के सरकारी मरकबात का जो मतलब नाम लिखने, उसने पेपर बनाने वाले ने एनटीएस वालों ने आपका कंसेप्ट देखना है कि आपने बुक पढ़ी हुई है या रटे मारे हुए हैं, सिर्फ आप लकीर के फ़कीर हैं या आपने टॉपिक को समझा हुआ है। अगर तो आपने टॉपिक को समझा हुआ है तो वो चाहे क्वेश्चन जिस तरह मर्जी टेढ़ा मेढ़ा करके बनाए आपको उसका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ रटा लगाया हुआ है तो वो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आगे पीछे करके पूछेगा, बात वही उसने पूछनी है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करेगा तो आपको वो नहीं आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो बुक है ना इल्मुल अदविया, जो कि मैं ऊपर उसकी पिक्चर भी लगाई होती है वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो थंबनेल होता है उसमें, तो ये इल्मुल अदविया जो बुक है ना ये बेहतरीन है, जो भी पास होते हैं लड़के इसी से तैयारी करके होते हैं। अल्फाज थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं है कि आपको याद ना हो, दो से चार दफ़ा पांच दफ़ा पढ़ने से याद हो जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला टॉपिक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो अगले लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे।